हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अ न्यू ब्लॉग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और अब मैं ठीक हो गई हूँ पूरी तरीके से, क्योंकि जब मैंने लास्ट ब्लॉग डाला था उस दिन मैंने बोला था कि मैं सब्जी छौंकने जब गई थी तो कुछ छींटे मेरे फेस पे आ गए थे, तो अभी भी ये थोड़ा थोड़ा स्पॉट है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा स्पॉट हो गया था चेहरे पे, जिसकी वजह से मैं अपनी जो शक्ल है वो दिखाई नहीं पा रही थी। मेरा मन ही नहीं कर रहा था कि मैं इस फेस में आप लोगों के सामने आऊँ, इसलिए मैंने उतने दिन बंद रखा अपना ब्लॉग, बिल्कुल भी नहीं चालू किया। और उसी बीच मैं अपना शॉर्ट डाल रही थी कंटिन्यू, ताकि खाली ना रहे मेरा चैनल और कुछ ना कुछ मैं उसमें एक्टिविटी करती रहूं, इसीलिए मैं शॉर्ट डाल रही थी कंटिन्यू, धड़ल्ले से डाल रही थी शॉर्ट। और अभी फाइनली मैं ब्लॉग पे आने को तैयार हूं और पर डे अब मैं ब्लॉग पे आऊंगी कंटिन्यू। कुछ रीजंस की वजह से नहीं आ पा रही थी और वो रीज़न था मेरा फेस, जो कि पूरी तरीके से दाग धब्बों वाला हो गया था। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, मैंने सोचा भी नहीं था उससे ज़्यादा स्पॉट आ गए थे, क्योंकि जो जलन मच रही थी जिन दागों में वो मेन मेन ये थे, ये और ये आइस पे, बट यहाँ पे, यहाँ पे और छींटे, छोटे छोटे छींटे काफ़ी ज़्यादा फेस पे आ गए थे, जिसकी वजह से फिर मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करा ब्लॉग पे आने पे, इसलिए नहीं आई। चलिए आज से ब्लॉग स्टार्ट करते हैं और कंटिन्यू अब आपको ब्लॉग दूंगी मैं, डेली जैसे देती थी वैसे ही दूंगी। और सर्दियाँ हैं, ये देखो चारों तरफ कपड़े फैले रहते हैं, कहीं गेट पे लटके हैं, कहीं यहाँ लटके हैं, जितने भी हैंगर होते हैं ना वो सभी फुल होते हैं इस टाइम पे कपड़ों से। मैं मॉर्निंग में उनको अच्छे से फोल्ड कर पाती हूँ, मॉर्निंग में सही कर पाती हूँ मैं, और ये नाइट होते होते पूरे फैल जाते हैं। नाइट में सही करती हूँ तो मॉर्निंग में फैल जाते हैं, तो ये जो फैलने वाला सिस्टम है ना वो पूरी सर्दी भर ऐसे ही बरकरार रहेगा। और सर्दियों में एक्स्ट्रा कपड़े हो भी जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि बाहर अगर ढंग से नहीं सूख पाते हैं तो वो अंदर सुखाने पड़ते हैं और इसीलिए चारों तरफ फैलाने भी पड़ते हैं। तो सभी के घर में ऐसा हाल चल रहा होगा, केवल मेरे घर में नहीं है, तो चलता है। आज से ब्लॉग कंटिन्यू चालू करेंगे, सो प्लीज़ मेरे ब्लॉग को आज से आप लोग फुल्ली वॉच करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और देखो हस्बैंड आ गए हैं कुछ बल्ब लेके, तो वो बल्ब सेट करेंगे। काफ़ी दिनों से किचन में बल्ब नहीं था तो लाइट चली जाती थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होती थी अंधेरे में, क्योंकि लाइट वाला बल्ब चलता था और इन्वर्टर वाला नहीं, और इन्वर्टर वाला ही ख़राब हो गया था, जिसकी वजह से लाइट जाने पर मुझे अंधेरा फेस करना पड़ता था और उसी बीच खाना बनाना पड़ता था किचन में। तो आज ये कुछ बल्ब ले आए हैं, मैंने मंगा लिए थे, तो अभी चलते हैं लगवाने। कैसे ये लगेगा, कैसे कौन से, यही लगाना है ना? हाँ। आई उसको बुलाऊं फिर से? पहले आयुष ने लगाया था ये? नहीं तो आप ही ने लगाया था। कहाँ से लगाया था? अरे भैया बहुत ऊंचाई पे हैं दीवारें भाई। रोशनी हो गई किचन में, यहीं कहीं लगाओ सेट करके, क्योंकि यहाँ समझ ही नहीं आता, इतना अंधेरा रहता है। इनमें तो ये नाइट बल्ब है, इसमें हटो ना, देखो मरी हुई छिपकली कहाँ गई, ये पड़ी, पैर मत रख देना उस पे। छिपकली कैसे छिपकली, छिपकली, छिपकली। मेरे से काम नहीं होगा चिपकली का, हम गेट खोले दे रहे, रुको रुको। गिर गई तो निकल नहीं पाई है। बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं कसम से, अगर मुझे कभी जाला भी साफ करना पड़ता तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसको रख दे रहे हैं, वो तो नहीं है। हाँ वहाँ नहीं है, वहाँ लगा दो, देखो बच्चे ऐसे फैला के रखते हैं सामान, ये थैंक गॉड थोड़ी सी लाइट हो गई, थोड़ी सी नहीं बहुत लाइट हो। इनका बर्थडे आ गया है और बर्थडे कहाँ डाला तुम, बार बार बता रही बर्थडे, ये कह रहे कहाँ डाला। कल दूसरे दिन इनका बर्थडे है और कह रहे कहाँ डला बर्थडे, बर्थडे भी कहीं डले हुए होते हैं।
महीने भर बाद नहीं है, अभी है नेक्स्ट डे, सिर्फ 24 घंटे बाकी है। मैं अपने घर वालों को खा दूँ, इसी बहाने सबको पता चल जाएगा कि मेरे हस्बैंड का बर्थडे है और हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। पता नहीं किस तरीके से करेंगे, मॉर्निंग में तो आधे से ज़्यादा टाइम तो घर में ही खर्च हो जाएगा नॉर्मल काम करने में ही, और इसके बाद देखते हैं। आज ये मैंने गाउन पहनी है मैंने, तो मुझे बहुत ही अच्छी लग रही है। सर्दियों में एक तो फुल है, पूरा नीचे तक है ये, तो बहुत अच्छी लग रही है मुझे। नए बल्ब की बात ही अलग होती है, किचन में और बाहर कमरे में ऐसी रोशनी हो गई है कि मजा आ गया देखने में। ये क्या, ये बच्चों का टोपा लगा ली, अर्जुन का टोपा है अर्जुन का। आज के ब्लॉग में बस इतना ही, प्लीज कल से मेरा ब्लॉग कंटिन्यूसली देखिएगा। मैं एक बार फिर से आप लोगों से बोलूंगी कि कल से मेरे ब्लॉग को आप लोग कंटिन्यू देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।